अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी किचन। और देसी किचन में आज क्या पक रहा है, देसी किचन में मैं लेके आई हूँ बच्चों की फेवरेट पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो कि बच्चे शौक से खाते हैं। बहुत मज़ेदार और झटपट क्विक रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने ये फ्राइज शेप में कट कर लिए हैं। उसके बाद ऑयल अच्छे से खासी गरम करके मैंने इसको डीप फ्राई करनी है। उसके बाद तकरीबन मैंने एक जो है वो शिमला मिर्च जो है वो उसको चॉप कर लिया है, मतलब क्यूब शेप में कट कर लिया। उसके बाद ये मैंने सॉस रेडी कर लिया। ये मैंने जो उससे पहले वीडियो में बनाई थी, सैंडविच बनाए थे, उसे सॉस बनाया था, तो आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाया था। और ये लेने के बाद मैंने चटर चीज़ ली है। उसके बाद मैंने मैक्रोनी तकरीबन एक प्याली मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। तो उस तरीके से मैंने लेयर दे दिए। मैंने पहले फ्राइज रखे, मैक्रोनी रखी, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाली है मैंने। उसके बाद सॉस डाला है इसका जो मैंने बनाया था। वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है। ऑरिगानो डालने के बाद मैंने जो शिमला मिर्च जो है क्यूब शेप में कट की थी वो इस तरीके से डाल दिए हैं। अगर आप इस पर ऑलिव डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने चीज़ जो है ग्रेट कर दी है, चेडर चीज़ यूज़ की है मैंने। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा जो है मैंने ऑरिगानो डाल दिया है, थोड़ा सा केचप डाल दिया है और थोड़ी सी मेयोनीज डाल के इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। और मैंने तकरीबन 60 मिनट्स के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था इसको। और इस तरीके से तैयार हो चुकी हैं आज की हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज। जी, तो रेडी हो चुकी है आज की हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज़। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।